साल 2020 में चीनी सैनिकों ने दादागिरी दिखाई तो गलवान में उसे मुंह की खानी पड़ी। गलवान में चीन की सेना पेंगोंग झील की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना ने 15,000 फुट की ऊंचाई वाली चोटियों पर अपना झंडा गाड़कर उसको पीछे ढकेल दिया। इतना ही नहीं, इतनी ऊंचाई पर भी 200 से अधिक T-72 और T-92 टैंक्स तैनात किए गए। भारी होने के कारण इनको गलवान तक पहुंचाना एक चैलेंजिंग टास्क था, इसलिए जोरावर जैसे लाइट टैंक्स की जरूरत महसूस हो रही थी। गलवान में झड़प के बाद शुरू हुई तैयारी। मई 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई थी। दरअसल भारतीय सेना ने तब सीमा पर रूस निर्मित T-90S और T-72 भारी टैंकों को तैनात किया था। इन दोनों ही टैंकों का वजन 40 से 50 टन था। ये दोनों ही टैंक मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में संचालन के लिए हैं। हालांकि 11,000 से लगभग 17,000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनकी सीमाएं हैं। वहीं चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने T-15 हल्के टैंकों को तैनात किया था। इसको देखते हुए भारतीय सेना को चीन के साथ पहाड़ी सीमाओं पर लड़ाई के लिए हल्के टैंकों को बनाने की जरूरत महसूस हुई। जोरावर की खूबियां, फील्ड आर्टिलरी FV-433 105 mm, कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm, वजन 25 टन, बैठने की क्षमता 3 लोगों की, ताकत 1000 हॉर्स पावर, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन के हल्के टैंक इतने पावरफुल। गलवान में तैनात किए गए चीन के ZTQ-15 टैंक ऐसे ही हल्के टैंकों की श्रेणी में शामिल हैं, जिसका वजन 33 टन से 36 टन के बीच है। ये चीनी टैंक 14,000 फुट की ऊंची पहाड़ी घाटियों में आसानी से काम करते हैं। इसमें लगे 1,000 हॉर्स पावर के नॉरिंको इंजन 30 हॉर्स पावर प्रति टन से अधिक का पावर टू रेशियो जनरेट करता है। कम ऑक्सीजन वाले ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ये पावर पर्याप्त है। अब भारत का जोरावर इससे भी हल्का होगा और इतनी ही पावर जनरेट करेगा। डिफेंस और अटैक दोनों के लिए जो हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस जोरावर टैंक से, बहुत हम लोग का एक गेम चेंजर वहां पर साबित हो जाएगा। तो इसका जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, 2027 तक हम लोग को ये मिल जाएंगे टैंक्स। साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है, ये और भी हम लोग को अभी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग जो इतने शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम, बस 2 साल में इसको डेवलप कर दिया है इस टैंक को, और इस डिजाइन से भारत का जो एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है मेक इन इंडिया के तहत हम लोग को बहुत इसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले हम लोग की जो बातचीत चल रही थी, हम लोग इसकी जो रियलाइजेशन था कि इस टाइप के टैंक का हम लोग को जरूरत पड़ रहा है फोर्सेस में, तो पहले हम लोग इसको रशिया से हम लोग इसको एक वेरिएंट खरीदने वाले थे, लेकिन रशिया से हम लोग डिपेंडेंसी ना करके एज इट इज, जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और वहां पे भी हम लोग लेसंस ले रहे हैं कि किस तरह से T-90 और T-72 उधर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उस पे क्षति पहुंच रही है, जो हम लोग लेटेस्ट वॉरफेयर्स में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे किस सिनेरियो में क्या हम लोग लेसंस अपने भारतीय मिलिट्री के लिए हम ले सकते हैं, तो वो सब भी हम लोग सीख लेकर हम इस चीज की हमको जरूरत भी पड़ी। तो ऊंची पहाड़ियों के लिए जोरदार जोरावर जो है वो किसी जोरदार एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है, और इसीलिए भारतीय सेना के लिए, फौज के लिए ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जोरावर विकराल चीन का काल, हम आपको जोरावर के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स दे रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत स्वदेशी टैंक विकसित कर रहा है। भारत ने लाइट वेट टैंक्स की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की है, और इसीलिए इस दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव को भी भारत ने पार कर लिया है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए DRDO ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए USV को इंटीग्रेट किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजनी है, और यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन करके टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया हो। कितना ताकतवर है जोरावर टैंक? जोरावर टैंक इतना ताकतवर है कि इसके आगे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। इनकी खूबियां हैरान कर देने वाली हैं।
इसे हेलीकॉप्टर से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। इसकी नली 120 mm की है, ऑटोमेटिक लोडर है यानी गोले अपने आप लोड होंगे, रिमोट वेपन स्टेशन है जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में ऑफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी है। इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता होगी, दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हुए, इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ान या ढलान पर उतर सकता है। इसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। चीन के लिए बनेगा काल। जोरावर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये भारत के अन्य टैंकों जैसे अर्जुन 68.5 टन, T-90 46 टन और T-72 45 टन टैंकों से हल्का है। जोरावर के हल्के वजन के कारण चीन के खिलाफ युद्ध में रणनीतिक गतिशीलता भारतीय सेना हासिल कर पाएगी। ये टैंक पल भर में ही दुश्मन के टैंकों को निस्तनाबूद कर देगा। युद्ध के समय लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके सीमा पर तैनात किया जा सकेगा। इस तरह ये टैंक चीन के लिए काल बनेगा। टैंक का विकास है एक विश्व रिकॉर्ड। जोरावर टैंक को कम से कम समय में तैयार किया गया है। ये पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरण में ऑपरेट होने के लिए सक्षम है, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके हो सकते हैं। दावा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में कम रसद के साथ ये कठिन मौसम में टिका रह सकता है। LNT के JD पाटिल ने बताया कि जोरावर टैंक को अप्रैल 2022 में अनुबंध मिलने के बाद केवल 19 महीने में तैयार कर लिया गया है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO के साथ ये साझेदारी ताकत के तालमेल के माध्यम से स्वदेशी रूप से जटिल प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों के विकास के लिए आगे का रास्ता प्रदान करता है। बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में इस टैंक को और भी तेजी से तैयार किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, तो वहां पे कई हम लोग के जो पार्ट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की ऑल ओवर सप्लाई बहुत वहां पे अभी काफी कम हो गया है। तो ये सब देखते हुए हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी भी दूसरे देशों पे, ताकि हम लोग अपने वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट और वॉर फाइटिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग उसको और बढ़ाने के लिए इन हाउस चीजें डेवलप करने से हमारे लिए इतना और बेटर हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग के जो पार्ट्स हो गए, हमारे एम्यूनिशन हो गए, हमारे स्पेयर्स हो गए, हमारा मेंटेनेंस हो गया, उन सब चीजों के लिए हम लोग किसी और तीसरे देश पर या दूसरे देश पर हम लोग को निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो ये मेक इन इंडिया के तहत हम लोग का एक बहुत बड़ा पुश रहेगा और साथ ही साथ ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा ये हम लोग का जोरावर लाइट टैंक। हल्का है, कमजोर नहीं। वास्तव में हल्का होने के बावजूद ये पूरी तरह बख्तरबंद टैंक है। वजन कम होने के कारण इसे दुर्गम से दुर्गम रास्तों से ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर प्लेन से इसे एक से दूसरी जगह पर कम समय में पहुंचाया जा सकता है। हजारों फुट की ऊंचाई, ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ पहाड़ी पर भी इसे आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसकी मारक क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी है। जोरावर की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि बड़े से बड़े टैंक पर ये भारी पड़ सकता है। इंजन है जान, उसी पर होना है काम। नए इंजन के साथ इस हल्के जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। DRDO कंपनी अपनी साझेदार LNT के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन कर रही है। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई। दरअसल जोरावर को ऑपरेट करने के लिए एक जर्मन इंजन को सही माना गया था, लेकिन जर्मनी से एक्सन पोर्ट की मंजूरी के चलते इंजन मिलने में देरी हुई। आखिरकार DRDO ने कमिंस इंजन के साथ टैंक को डेवलप करने की योजना बनाई।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कमिंस इस बात पर तैयार है कि वो इंजन को भारत में ही असेंबल करेगी। डीआरडीओ इंजन की दिक्कत को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डीआरडीओ ने हल्के टैंक के लिए एक नया पावर पैक डेवलप करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। अर्जुन टैंक के लिए भी एक नया इंजन डेवलप किया जा रहा है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स का होगा उत्पादन। सेना का इरादा इस साल 57,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी करने का है। इसका लक्ष्य 2030 की शुरुआत तक पुराने T-20 टैंकों का स्थान लेने के लिए 1,770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCV का उत्पादन करना है। FRCV में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ड्रोन इंटीग्रेशन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। ये व्हीकल नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में जमीन और हवा के सभी तत्वों के साथ तालमेल और इंटीग्रेशन करने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में हर ओर आगे बढ़ रहा है। भारत को लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी कई मायनों में बदला है और ये बात सभी ने महसूस की है। इसी का परिणाम भी है कि रक्षा क्षेत्र में तेजी से विदेशी निवेश भी हो रहा है। सैन्य हथियार बनाने में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा है। भारतीय सेना अपने दोनों छोर की सीमाओं की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है और इसीलिए जल थल और नभ तीनों सेनाओं को टेक्नोलॉजी के हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण हमने आपको दिखाया जोरावर टैंक के माध्यम से। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।